वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली शर्तें। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए हम देख लेते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है। वॉट इज द पार्टनरशिप डीड? एक साझेदारी संलेख दो पार्टनर्स के बीच में एक लिखित समझौता होता है। यह ओरल और रिटर्न हो सकता है, लेकिन जब लिखित समझौता होता है तो उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। और लिखित समझौता इसलिए किया जाता है, जैसे भविष्य में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो वह लिखित समझौता उनके निवारण के लिए, झगड़ों के निवारण के लिए काम आए। अगर लिखित समझौता या पार्टनरशिप डीड जो कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है, अगर वह रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो पार्टनर्स के बीच में, तो फिर क्या शर्तें लागू होती है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख लिखित में नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा व्यवसाय में वो साझेदारों के मध्य बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर संलेख में पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइडेड रेशियो होता है तो उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है, लेकिन वह तो इन्होंने बनाया ही नहीं हो किसी पार्टनर ने, कोई डीड ही नहीं है, कोई रिटर्न में ही नहीं है, केवल ओरल है, तो यह लागू होगा कि पार्टनर्स के बीच में व्यवसाय से जो लाभ आता है वो पार्टनर्स आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। सेकंड बात कर लेते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। अगर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। फिर हम बात कर लेते हैं, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग। ना ही पार्टनर्स को ड्रॉइंग से जो भी आहरण करते हैं पार्टनर व्यवसाय से, उन पे जो ब्याज लिया जाता है वो भी नहीं लिया जाएगा। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। फिर देख लेते हैं, नो पार्टनर इज एंटाइल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू टेक अ सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को 6% हम पर एनम से ब्याज देंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को यह अधिकार है कि वह बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। हर एक पार्टनर को यह अधिकार है कि वह पुस्तकों को देख सकता है और उस पुस्तकों की एक कॉपी भी ले सकता है। चलिए हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, और पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने किसी ने लोन दिया है तो उनको 6% ब्याज दिया जाएगा, और हर एक पार्टनर बिजनेस में व्यवसाय में भाग ले सकता है और उस पुस्तकों तक भी पहुंच सकता है, उन पुस्तकों की एक कॉपी भी ले सकता है। आई होप आपको
आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।